कैसे मैंने अपनी हाइट को 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 11 इंच कर लिया। 1 घंटे के बाद में 20 टमाटर, चुकंदर, गाजर, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, जंपिंग वगैरह स्ट्रेचिंग करोगे तो क्रैम्स आएंगे, तो ये चीजें नहीं। के बाद में डाइट को दूंगा क्योंकि मैंने खुद फील करा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने बहुत दिनों से सेविंग नहीं कराई थी, इसलिए मैंने सोचा सेविंग करा लूं क्योंकि घर वाले ही बोल रहे थे। एनीवेज, ये सब बात अब छोड़ते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देख के अपनी सारी रूटीन चेंज करी होगी, जो लोग अपने बॉडी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर की है कि कैसे मैंने अपनी हाइट को 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 11 इंच कर लिया। मेरी मोस्टली हाइट ग्रो हुई 17-18 साल के बाद हुई, तो आप समझ सकते हो एंड अपने से रिलेट कर सकते हो कि अगर आप भी उस एज के हो, आप भी अपनी हाइट को 100% बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस में है। मैंने अपनी हाइट बढ़ाई है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूं। आप लोगों के डिमांड पे इतने ज्यादा आप लोगों ने मैसेजेस किए, कॉमेंट्स किए, आज की इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट फुल डे डाइट शेयर करूंगा जो उस वक्त मैं लेता था। अभी के टाइम पे अभी मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है एंड अभी के टाइम पे थोड़ी फूड हैबिट्स वगैरह भी काफी ज्यादा चेंज है लोगों की, जो कि बिल्कुल बजट में था, सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो इन फ्यूचर मैं और भी ज्यादा एडवांस डाइट ले आऊंगा हाइट के ऊपर में, कोई भी दिखावे के चक्कर में वीडियो का मैं कुछ भी हाईफाई चीजें ऐड नहीं करूंगा, ये ले लो से आपको कुछ प्रोफेशनल टाइप फील आए तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। एक चीज का मैं गारंटी ले सकता हूं, इस देसी डाइट को लेने के बाद आपको कभी भी डाइट से अगर आपकी हाइट रुकी हुई है वो आज से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज मैं जो भी कुछ अपने डाइट में बताऊंगा उसे आपको कम से कम डेली खाना ही पड़ेगा, अगर आप इतना कम खाओगे तो इतने ही रह जाओगे। बॉडी का पूरा ग्रोथ आपको अपना हाइट बढ़ाना यानी कि उसमें बोन का ग्रोथ होना नेसेसरी है, तो आप समझ सकते हो कि आपको ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत ज्यादा हो गया। तो सुबह उस वक्त मैं 7 बजे के करीब उठ जाता था। सबसे पहले मेरा काम था 1 लीटर में गुनगुना पानी पीता था, वो भी खाली पेट। सो आपको खाली पेट बिना कुल्ला किए क्योंकि इससे डाइजेशन वगैरह सब अच्छा होता है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके 1/2 घंटे के बाद में 20 ml आमला जूस वही गुनगुने पानी में कप में लेके मैं पीता था। आपका बॉडी डिटॉक्स होगा एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन दिन का शुरुआत हुआ। नेचुरल आमला जो है आपको ठंड के मौसम में तो मिल जाएगा, गर्मियों में नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं हमेशा पतंजलि वाला आमला जूस यूज करता था। उसका लिंक अवेलेबल होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मील नंबर 1 मैं सुबह के 9 बजे लेता था, जिसमें मैं 4 घी लगी हुई रोटियां लेता था, उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल जो घर में बनी हो, थोड़ा सा पालक की साग, उसके साथ 1 छोटे प्लेट में सलाद, एंड अगर आपको दही वगैरह आप खाते हो तो मॉर्निंग में 1 कटोरी दही भी आप ले सकते हो। सलाद में मैं टमाटर, चुकंदर, गाजर, खीरे, ऊपर से 1/2 lemon ये होता था। इस मील से आपको विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, आयरन, जिंक, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, जिससे कि हमारे बॉडी में इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन का शुरुआत है जो कि एकदम देसी एंड सभी के घर में अवेलेबल होगा, एंड बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आई होप सो कि वो इस डाइट को साथ ले भी रहे होंगे। तो सिंपल से आपको उतना ज्यादा हाई फाई डाइट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने एकदम सिंपल घर की देसी डाइट से को इंक्रीज किया। एंड एक चीज और कि जिनके घर में सुबह में चावल दाल वगैरह बनता है तो आप सिंपली सा चावल दाल ही खाओ, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। चावल दाल के साथ सिंपली सा पालक की साग एंड फिर सलाद जो मैंने बताया है वो सब ऐड कर लो, बस ये हो गया आपका मील नंबर 1 जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। तो अब चलते हैं हमारे मील नंबर 2 यानी जो मैं लंच में लेता था। लंच में मैं स्प्राउट्स लेके जाता था, आपको ज्यादा नहीं थोड़ा सा स्प्राउट्स आप लेके जरूर जाओ। उसमें मैं थोड़ा सा चना, मूंगफली, मूंग एंड 6 आलमंड्स को रात भर पानी में छोड़ देता था। सुबह उठ के जब वो अच्छे से अंकुरित हो जाते थे, कई बार क्या होता था मैं गुड़ के साथ भी लंच में लेके जाता था, वो चीज आप नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपली सा इसे सैलेड के रूप में स्प्राउट्स को बना के लेके चले जाओ। इस मील से आपको प्रोटीन, विटामिन, जिंक, आयरन, फाइबर सब कुछ मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे घर में 3 बजे के करीब जब मैं स्कूल से लौटता था तो उस वक्त मेरे घर में चावल दाल बना हुआ रहता था एंड मैं उस वक्त चावल नहीं खाता, उसके जगह मैं क्या 2 ग्लास में दाल पी लेता था। अगेन इससे मुझे फिर थोड़े बहुत प्रोटीन मिल जाते थे। उसके बाद मैं 4:30 बजे के करीब प्री वर्कआउट में कोई भी सीजनल 2 फ्रूट्स लेता था। आप कोई भी फ्रूट्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके बाद 5 बजे के करीब मेरा स्ट्रेचिंग वर्कआउट शुरू होता था, जिसमें वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, जंपिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत सारे एक्सरसाइजेस। सिंपली सा मेरी ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सा वर्कआउट करता था। एंड अगर आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी नीचे कमेंट कर दें। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मेरी हाइट ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जो रोल मुझे लगा है वो एक्सरसाइज का, वर्कआउट का। उसके बाद मैं डाइट को दूंगा क्योंकि मैंने खुद फील करा है। अगर शायद मैं वर्कआउट वगैरह नहीं करता
उस लेवल पे मैं अपनी हाइट को नहीं बढ़ा पाता। तो वर्कआउट एक्सरसाइज किए बिना आप सिर्फ डाइट से अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। और मैं अपनी हाइट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट टू लाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड ही है जिसकी डाइट भी अच्छी नहीं थी, वो बहुत कम डाइट ले पाता था, लेकिन उसने इतना फिजिकल एक्टिविटी की कि उसकी हाइट भी मेरी जैसी है। पार्ट टू में बहुत सारे यूनिक चीजें बताऊंगा। नीचे 2000 लाइक्स 250 कमेंट्स कर दो, जिस दिन ये पूरा हो जाएगा मैं अपनी हाइट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट टू लाऊंगा। उसके बाद जब वर्कआउट हो जाए तो पोस्ट वर्कआउट में मैं 4 वाइल्ड एग्स लेता। ट्यूजडे एंड थर्सडे को मैं नॉनवेज में नहीं खाता, उस दिन में मैं 100 ग्राम पनीर का। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन लोग, आप सिंपली सर 100 ग्राम पनीर पोस्ट वर्कआउट में आप खाओ। आपकी बॉडी जो इतनी टूटी है, मसल्स ब्रेक हुए, इतना ज्यादा आप अपने बॉडी को स्ट्रेच किए हो, वो सब कुछ रिकवरी होगी जब आप एक अच्छा प्रोटीन डाइट लोगे। तो इस डाइट में आपको विटामिन डी मिल गया, कैल्शियम मिल गया, प्रोटीन मिल गया, विटामिन B12 मिल गया, जो कि हमारे बोन के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। एंड हड्डी का ग्रोथ होगा तभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी, हड्डी बोन वगैरह बढ़ना जरूरी है। अब इसके बाद सीधे हम चलते हैं अपने डिनर पे, यानी कि मैं 9 बजे के करीब अपनी सर रात में मैं तो रोटी लेता था, उसके साथ जो घर में बनी हुई सब्जी है, 2 रोटी सब्जी एंड 1 ग्लास दूध। तो आप भी ट्राई करो कि आधा लीटर आप दूध पियो, जिससे कि आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिल जाए, जिससे कि आपका बोन का ग्रोथ वगैरह सब तेजी से हो। तो ये थी सिंपलीसा एक देसी डाइट, जो आप बस इतनी डाइट फॉलो करने लग जाओ, जिसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फैंसी चीजें नहीं बताई। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको भाई पानी तो भरपूर पीना होगा, क्योंकि अगर आप पानी कम पियोगे, चांसेस है कि आप जब इतना ज्यादा स्ट्रेचिंग करोगे तो क्रैम्स आएंगे। तो ये चीजें नहीं करना। आप आराम से गर्मी का जब मौसम हो 4-5 लीटर पानी पियो, एंड अभी ठंड का मौसम है तो कम से कम 3 लीटर तो ठंड के मौसम में भी पियो, 3-4 लीटर आप कम से कम आपको ठंड में ही पीना। सिर्फ प्यास लगे ऐसा नहीं है कि तभी पानी पियो, नहीं, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तब सारा फंक्शन, सब कुछ आपके बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह डाइजेशन सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद हफ्ते में आपको कम से कम एक दिन तो बॉडी मालिश जरूर कराना है, बॉडी का मसाज कराओ, कोकोनट ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, खुद से करो या कोई है तो आप उससे करवाओ, धूप में बैठ के आराम से। उसके बाद क्या करो, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको धूप में बैठना है, आधे घंटे के लिए आराम से आपको विटामिन डी लेना है। नेचुरल सोर्स से विटामिन डी लो, क्योंकि आप डाइट से तो पूर्ति होगी लेकिन उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं। तो आपको नेचुरल धूप से अगर आप डेली बैठ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, डेली भी आप आधे घंटे बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ते में 3 दिन आपको धूप में बैठना है। क्योंकि मैं जब उस वक्त हाइट ग्रोथ जर्नी में था तो मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर कॉन्सियस था, क्योंकि विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज इन्वॉल्व है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बोन के ग्रोथ के लिए। तो आपको भी जब हर चीजों का जब खास ख्याल रखोगे तब जाके हाइट बढ़ती है। कोई एक चीज कर लिया सोचोगे हाइट बढ़ जाए तो नहीं, कोई भी चीज डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद लास्टली आपको 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है, यानी कि आपको रात में जब आपने डिनर कर लिया 9 बजे, फोन को आधे घंटे यूज करो जो करना है, उसके बाद बेड पे चले जाओ, नींद नहीं आएगी शुरुआत में अगर आपको लेट में सोने की आदत है। उसके बाद आराम से आपको गहरी नींद बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए सोना है, क्योंकि जब आप गहरी नींद लोगे तो HGH हार्मोन हमारे हाइट का ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तभी वो रिलीज होता है। सारी चीजें कंप्लीट आप ओवरऑल करो कि हाइट भी 100% बढ़े। पार्ट 2 लाने वाला हूं, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.